देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा से। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव अब खत्म हो चुके हैं और बारी है 2024 के लोकसभा चुनाव की। विधानसभा चुनाव के परिणाम से एक बात तो साफ हो गई कि इंडिया गठबंधन को अभी बहुत ज्यादा रणनीति बनाने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ अभी तक दावे किए गए लेकिन जमीनी स्तर पर जनता ने अपना फैसला बीजेपी के समर्थन में सुनाया और पांच राज्यों में से तीन राज्यों में बीजेपी ने ताबड़तोड़ जीत हासिल की। ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहा है कि अब आखिरकार कांग्रेस पार्टी का अगला कदम क्या होगा। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान में भी सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो करारी हार राजस्थान में देखी है, जहां दावा एक ओर कांग्रेस कर रही थी सरकार रिपीट करने का, तो हाल ऐसा हुआ कि कई बड़े दिग्गज नेता हार का सामना करते हुए नजर आए। इन्हीं में थी दिव्या मदेना। दरअसल आपको बता दें, दिव्या मदेना पर भरोसा कांग्रेस ने एक बार फिर से जताया और उन्हें उन्हीं के गढ़ यानी कि ओसिया विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन देखा गया कि दिव्या मदेना इस बार अपना वो जलवा नहीं दिखा पाई। आखिरकार इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या दिव्या मदेना इस बार जिस तरह से ओसिया की जनता के बीच जाकर सिंपथी लेने की कोशिश कर रही थी, क्या इस बार उनकी बातें जनता तक नहीं पहुंच पाई? कभी पिता को याद कर भावुक होना, तो कभी अपने दादा परसराम मीणा को लेकर इस तरीके, मदेना को लेकर यहाँ पर सीधे सीधे अशोक गहलोत पर हमलावर होना। आखिरकार 2018 में अपना जलवा दिखाने वाली दिव्या मदेना इस बार क्यों फीकी पड़ती हुई नजर आए? दावा तो ये भी किया जा रहा है कि दिव्या मदेना जिस तरह से लगातार सचिन पायलट और अशोक गहलोत को नाराज करती हुई नजर आई, इसी के चलते राजस्थान की ओसिया विधानसभा सीट की जनता उन्हें अपना वोट नहीं दे पाई। इसके साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि दिव्या मदेना बड़े बड़े तो करती है लेकिन जनता के बीच अपने उन दावों को पहुंचा नहीं पाती। प्रचार प्रसार के दौरान भी देखा गया कि दिव्या मदेना जनता के बारे में अपने परिवार के बारे में बातें ज्यादा करती हुई नजर आई। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ नजर आई दिव्या मदेना को। जब ओसिया विधानसभा सीट से दोबारा चुनावी मैदान में उतारा गया तो देखा गया कि वे जनता के बीच कुछ खास जाती हुई नजर नहीं आई, प्रचार प्रसार करती हुई भी नजर नहीं आई। क्या ये कहा जाए कि अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चलते ही दिव्या मदेना को ओसिया विधानसभा सीट में करारी हार का सामना करना पड़ा? क्योंकि भले ही कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी ना कर पाई हो, लेकिन जो उनके बड़े दावेदार हैं, बड़े नेता हैं, वो अपनी सीटों पर ताबड़तोड़ जीत हासिल करते हुए नजर आए, चाहे अशोक गहलोत हो या फिर सचिन पायलट। फिर आखिरकार इस बार क्यों दिव्या मदेना का जलवा फीका पड़ता हुआ नजर आए? क्या लगता है आपको? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खास खबर पर इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।